Hello students, welcome back in our YouTube channel. Today we are continuing our ninth chapter, Living Organisms, Characteristics and Habitat. पिछली वीडियो में हमने किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? और आज हम करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स. सो व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव एंड ग्रो नेचुरली. हैबिटेट क्या होता है? एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ग्रो करते हैं नेचुरली सराउंडिंग से. जैसे कि अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन बींग्स की, हमारे लिए हैबिटेट क्या है? हमारा घर, जिस एरिया में हम रहते हैं वो क्या है? हमारा हैबिटेट है. तो सेम एज एनिमल्स केस में क्या होता है, कुछ एनिमल्स फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, कुछ ओशियन में और कुछ डेजर्ट्स में. तो आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्या रहते हैं. हेयर दे फाइंड वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर एंड एयर फॉर सर्वाइवल. यहाँ पे वो क्या फाइंड करते हैं? प्रॉपर वाटर रिसोर्स, प्रॉपर टेम्परेचर एज वेल एज एयर, ताकि वो अच्छे से जो उनका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, जो उनकी रिक्वायर्ड कंडीशंस है, जिस एरिया के अंदर जिस रीजन के अंदर उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है, दे लाइक टू लिव एट दैट प्लेस. तो वो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं और वहाँ पे इजीली वो सर्वाइव भी कर सकते हैं. अब एग्जांपल लेते हैं हम, फिशेस लिव इन वाटर, राइट? फिशेस कहाँ पे रहती हैं? वाटर के अंदर रहती हैं. एंड कैमल लिव इन डेजर्ट एरियाज. कैमल कहाँ पे रहते हैं? डेजर्ट एरिया में रहते हैं. तो फिशेस के लिए वाटर, ओशियन, सी, ये सब क्या है? उनका हैबिटेट है. और कैमल के लिए डेजर्ट एरिया उनके हैबिटेट है. तो ये था हैबिटेट के बारे में. नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स. हैबिटेट किससे मिलकर बनते हैं, लाइक कंपोनेंट्स क्या है हैबिटेट के? बेसिकली हैबिटेट हैव टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. दीज आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड. ये खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. मैंने आपको बताया था ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हेटरोट्रॉप्स होते हैं, लाइक वी एनिमल्स, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कुछ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो वी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर. तो इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, लाइक एनिमल्स ईट प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, राइट? एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स खाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. और प्लांट्स ग्रो ऑन डिकम्पोज मटीरियल ऑफ एनिमल्स. और प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं? जो एनिमल्स मर जाते हैं उनका जो डिकम्पोज मटीरियल होता है, मरने के बाद जो उनका बचा हुआ मटीरियल होता है, डिकम्पोज मटीरियल हो चुका होता है, उनके ऊपर प्लांट क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, राइट? तो ये क्या थे? हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स थे, जिसके अंदर आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. दीज आर शेयर्ड बाय बायोटिक कंपोनेंट्स. ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो थिंग्स है नॉन लिविंग, ये जो कंपोनेंट्स है वो कौन शेयर करता है? बायोटिक कंपोनेंट्स. इट मीन्स ए बायोटिक के कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट्स ही शेयर करते हैं, ठीक है? एयर एंड वाटर आर सम एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट्स. एयर और वाटर क्या है? ए बायोटिक कंपोनेंट्स की एग्जाम्पल है. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर एयर. प्लांट्स और एनिमल को एयर की रिक्वायरमेंट है, दे नीड एयर, राइट? एंड वाटर फॉर सर्वाइवल. और पानी की भी जरूरत है. किसके लिए? सर्वाइवल के लिए. तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या हुए हमारे पास? बायोटिक कंपोनेंट्स हुए, दे आर लिविंग, राइट? और एयर और वाटर क्या हुए? नॉन लिविंग हुए. ये क्या हुए? एबायोटिक. और एयर और वाटर को कौन शेयर करता है, कौन यूज करता है? प्लांट्स एंड एनिमल यूज करते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट शेयर करते हैं, ठीक है? हियर वी हैव सम एग्जांपल्स. बायोटिक कंपोनेंट्स की एग्जांपल क्या है हमारे पास? फंगी, बैक्टीरिया, आर्चिया, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, प्लांट्स. ये सब क्या हमारे पास? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. और प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये क्या हमारे पास? बायोटिक के एग्जांपल्स. एबायोटिक की एग्जांपल है हमारे पास एयर, टेम्परेचर, मिनरल, पीएच, ह्यूमिडिटी, वाटर, लाइट, सैलिनिटी, सॉयल.
तो ये था बायोटिक एंड एबायोटिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ हैबिटेट, मतलब हैबिटेट्स के कितने टाइप है। बेसिकली देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, फर्स्ट इज टेरिस्ट्रल एंड सेकेंड इज एक्वाटिक। एक्वाटिक और टेरिस्ट्रल क्या है, दो मेन हैबिटेट है। सबसे पहले देखते हैं टेरिस्ट्रल क्या होता है। टेरिस्ट्रल में जो वर्ड आता है टेरा, इसका क्या मतलब होता है, लैंड। एंड एक्वाटिक का मतलब क्या होता है, वाटर। तो टेरिस्ट्रल मतलब लैंड एंड एक्वाटिक मतलब वाटर। वैसे तो आप समझ गए होंगे, तो चलिए लेकिन इसकी ब्रीफ डेफिनेशन समझ लेते हैं। एनिमल्स लाइक ह्यूमन, लॉयन, काउ एंड अदर लिव इन लैंड आर सेड टू बी लिव इन टेरिस्ट्रल हैबिटेट। ह्यूमन बींग्स, लॉयन, काउ एंड कुछ अदर एनिमल्स जो क्या रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं टेरिस्ट्रल एनिमल्स, और उनकी हैबिटेट को बोलते हैं टेरिस्ट्रल हैबिटेट, राइट। और एक्वाटिक की बात करें तो एनिमल्स लाइक फिश, वेल, ऑक्टोपस एंड अदर लिव इन वाटर। क्या करते हैं वो, फिश, ऑक्टोपस, वेल क्या करते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। एंड दे सेड टू बी लिव इन एक्वाटिक हैबिटेट, और उन्हें कहा जाता है कि वो एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर रहते हैं, और उन एनिमल्स को एक्वाटिक एनिमल्स भी कहा जाता है। तो ये था टेरिस्ट्रल का और ये था एक्वाटिक का। टेरिस्ट्रल मतलब लैंड लिविंग एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं, और एक्वाटिक मतलब जो वाटर के अंदर रहते हैं। चलिए इसको डिटेल में करते हैं। तो इन्हें डिस्कस करने से पहले आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज अडैप्टेशंस। अडैप्टेशन की डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहूंगी। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कि हॉलीडेज के टाइम पे हम समर्स वेकेशन में बाहर जाते हैं, बाहर हिल स्टेशन पे जाना प्रेफर करते हैं, राइट। हिल स्टेशन की बात करें, हम विंटर हम कोल्ड एरिया में जाएं तो क्या होता है, हमें ठंड पकड़ जाती है। अगर क्या करते हैं, अगर हम किसी अलग एरिया में जाते हैं तो हम क्या होता है, बीमार होना शुरू कर देते हैं। तो ये क्यों होता है, बिकॉज हमारी बॉडी उस वेदर के लिए अडेप्ट नहीं है, हैप्चर नहीं है। जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, अगर उसके ऑपोजिट वेदर में अगर हम चले जाएं तो हम एकदम से वहां पे जाके उस वेदर को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये किस वजह से होता है, अडेप्टेशन की वजह से, क्योंकि यह हमारी बॉडी है जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर चुकी होती है। और जो हम नए एनवायरनमेंट में जाते हैं उसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती, इसलिए हमें क्या होता है, हमारी बॉडी रिएक्शन करना शुरू कर देती है, हम बीमार होना शुरू कर देते हैं। इसके अगर हम एनिमल्स के लिए एग्जाम्पल लें, तो जैसे हमने हैबिटेट के केस में देखा था कि दैट फिश लिव इन वाटर, फिशेज वाटर के अंदर रहती हैं, एंड कैमल लव टू लिव इन डेजर्ट्स, और कैमल डेजर्ट्स एरिया के अंदर रहती हैं। अगर हम फिशेज को वाटर से निकाल के बाहर लैंड एरियाज पे ले आए और कैमल को क्या करें, कोल्ड एरिया पे छोड़ दें, तो क्या ये एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे? नो, दे कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज फिशेज बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकती। उनकी बॉडी ऐसे एनवायरनमेंट के लिए, ऐसे वेदर के लिए, ऐसे हैबिटेट के लिए अडेप्ट नहीं है। उनकी बॉडी की अडेप्टेशन कुछ और है। फिशेज सिर्फ वाटर के अंदर ही सर्वाइव कर सकती है। तो सेम एज कैमल, कैमल भी कोल्ड एरिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती। उनकी बॉडी भी डेजर्ट एरिया के लिए ही अडेप्टेड हो चुकी होती है, तो वो भी डेजर्ट एरिया के अंदर ही सर्वाइव कर सकेंगे। तो ये थी अडेप्टेशंस की एग्जाम्पल। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिवेलप स्पेशल फीचर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स डिवेलप हो चुके होते हैं विच हेल्प देम सर्वाइव बेटर इन देयर लोकल वेदर कंडीशन, जिनकी वजह से वो अपने लोकल वेदर कंडीशन के अंदर, जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइव बेटर, राइट। तो उनके पास क्या होता है, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अडेप्टेशन। इसी करेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स हुई जिसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने लोकल वेदर के अंदर ही अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमारे सबसे पहले आता है हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट।
एक्वेटिक मतलब पानी, पानी से जुड़े हुई हैबिटेट, लेक सी, ओशियन, रिवर, पोंड, लेक, ये सब क्या हुई? एक्वेटिक हैबिटेट हुई। इट कैन बी अदर फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर। ये क्या होता है? ये तो फ्रेश वाटर हो सकता है या सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर की एग्जाम्पल हुई लेक, रिवर, पॉन्ड्स, एंड सलाइन वाटर की हुई ओशियन, शी। ये क्या हुई? सलाइन वाटर की एग्जाम्पल्स हुई। नेक्स्ट है हमारे पास फिशेज, फ्रॉग्स, लिलीज, लोटस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। डॉल्फिन, वेल, शार्क, दीज आर फाउंड इन सीज। ये सब सीज के अंदर पाए जाते हैं, ओशियंस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वाटिक प्लांट इज नोन एज हाइड्रोफाइट्स। एक्वाटिक प्लांट्स, जो प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, फाइट मतलब प्लांट्स। जो प्लांट पानी के अंदर रहते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। दे कैन बी फ्री फ्लोटिंग और समर्स्ड। वो क्या हो सकते हैं? फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं मतलब पानी के अंदर तैर तैर सकते हैं, या तो फिर समर्स्ड मतलब एक जगह पे होल्ड हो सकते हैं, मतलब जुड़े हो सकते हैं, राइट? तो नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेशन ऑफ प्लांट ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट के जो प्लांट्स होते हैं उसकी अडेप्टेशन कैसी होती है? तो इसकी एग्जाम्पल हमें पता है, मैंने भी आपको बताई थी, लिली एंड लोटस आर सम प्लांट्स विच ग्रो इन एक्वेटिक रीजन। लिली और लोटस क्या है? वो सिर्फ पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की तो क्या है? रिड्यूस्ड रूट्स टू होल्ड द प्लांट। जो इनकी रूट्स है वो क्या होती है? रिड्यूस्ड हो चुकी होती है साइज के अंदर, या तो फिर कुछ प्लांट के अंदर जैसे फ्री फ्लोटिंग के अंदर उनकी जो रूट्स होती हैं वो एब्सेंट्स होती हैं, जैसे कि लोटस के अंदर, राइट? स्टेम्स एंड लीव्स आर लॉन्ग एंड नैरो एंड कैन इजिली विदस्टैंड द मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर हम समर्स्ड प्लांट्स की बात करें तो समर्स्ड प्लांट की लीव्स और स्टेम्स होती हैं वो बहुत लंबी और नैरो होती है, ताकि वो इजीली पानी के अंदर स्टैंड कर सके, पानी की मूवमेंट को इजीली होल्ड कर सके, राइट? और जो फ्री फ्लोटिंग जैसे लोटस की लीव्स की बात करें तो उनके लीव्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं और लॉन्ग होते हैं। जैसे कि ये देखिए, इनके जो लीव्स होते हैं वो फ्लैट और लॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव आर एक्सपोज टू एयर। जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के ऊपर वो क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं एयर को, एयर की गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प करते हैं स्टोमेटा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स की अडेप्टेशंस। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब फिश। अगर हम बात करें फिशेस की तो दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी विच हेल्प देम इन स्विमिंग। उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है। स्ट्रीम लाइन मतलब फ्रंट और बैक से क्या होती है? पॉइंटेड होती है, और बीच में से क्या होती है? मोटी होती है, ब्रॉड होती है, ठीक है? तो उसे बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड बॉडी। तो उनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइंड होती है, जिसकी वजह से वो इजीली वाटर को कट करके आगे मूव कर सकती हैं, स्विम कर सकती हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग एंड फिन हेल्प देम टू मूव इन ऑल द डायरेक्शंस। जो गिल्स होते हैं फिशेस के अंदर वो ब्रीथिंग के अंदर हेल्प करते हैं, और जो फिन्स होते हैं वो फिशेस को आगे मूव करने में हेल्प करते हैं। इन फिन्स की वजह से क्या करते हैं? जो फिशेस होती है वो इजीली आगे की तरफ मूव कर सकती हैं। नेक्स्ट है बॉडी स्केल्स गिव प्रोटेक्शंस। जो फिशेस की स्केल्स होते हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं? फिशेस को प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? फ्रॉग्स हैव स्ट्रोंग लेग्स इन लीपिंग एंड कैचिंग प्रे। फ्रॉग्स की बात करते हैं तो फ्रॉग्स क्या होते हैं? फ्रॉग्स लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। दे आर एम्फीबियंस। फ्रॉग्स क्या होते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब द एनिमल विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। तो फ्रॉग्स क्या है? एम्फीबियंस है। तो फ्रॉग की लेग्स कैसी होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो इजीली प्रे को कैच कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेरिस्टल हैबिटेट। अब हमने देखा था टेरिस्टल हैबिटेट्स कौन से होते हैं? द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, राइट? वो होते हैं टेरिस्टल हैबिटेट। अब हमारे पास आता है लैंड के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कुछ होते हैं जो फॉरेस्ट एरियाज के अंदर रहना पसंद करते हैं, कुछ माउंटेन्स के अंदर, तो कुछ डेजर्ट्स के अंदर। तो हमारे पास इसकी भी आगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, तो चलिए उनको एक एक करके अच्छे से डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डेजर्ट्स।
डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट आर वेरी कोल्ड. डेज के होते हैं बहुत हॉट होते हैं और नाइट की होती है बहुत ठंडी होती है. डेजर्ट्स एरिया में तो आपको पता होगा, मतलब राजस्थान वाली साइड, तो वहाँ पे क्या होता है दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में वही एरिया बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं. स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल एंड वेजिटेशन. रेनफॉल की क्या होती है कमी होती है और वेजिटेशन की भी कमी होती है. अब जिस एरिया में रेनफॉल कम होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी कम होगी, वहाँ पे प्लांट्स कम ग्रो करेंगे. तो इसीलिए इस एरिया में हॉटनेस की वजह से रेनफॉल भी कम होगी और रेनफॉल की वजह से वेजिटेशन भी कम होगी. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन डेजर्ट एरियाज. अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट एरिया के अंदर पाए जाते हैं. सो नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स. डेजर्ट्स प्लांट की अडेप्टेशंस. तो जो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं उनकी लॉन्ग एंड डीप रूट्स होती हैं, फ्लैशी एंड थिक स्टेम विद वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर लॉस. जो प्लांट्स की स्टेम होती है वो थिक होती है और फ्लैशी होती है. फ्लैशी मतलब जिसके अंदर इजीली पानी स्टोर हो सके, राइट? तो इन स्टेम्स के अंदर पानी स्टोर होता है और इनके ऊपर क्या होती है एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग होती है, जिसके वजह से क्या होता है ट्रांसपीरेशन रेट कम होता है, मतलब पानी कम लॉस होता है. और दीज आर नोन एज सकुलेंट प्लांट्स. और इनको क्या कहते हैं सकुलेंट प्लांट बोलते हैं. लीव्स रिड्यूस टू स्पाइंस टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए डेजर्ट्स प्लांट के लीव्स होते हैं वो स्पाइंस के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं. स्पाइंस मतलब जैसे आप कांटे समझ सकते हो ना, कुछ वैसा स्ट्रक्चर बन जाता है लीव्स का. तो उससे क्या होता है लीव्स का एरिया कम हो जाता है और ट्रांसपीरेशन रेट भी कम हो जाता है. इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास कैक्टस एंड अकेंशिया. नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट्स एनिमल्स. डेजर्ट्स एनिमल की क्या अडेप्टेशन है. सो इसका फर्स्ट है हमारे पास कैमल ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. डेजर्ट्स एरिया की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कैमल, कैमल क्या है डेजर्ट एरिया का एनिमल है, तो वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा पानी ड्रिंक करते हैं. वाइल डज नॉट स्वेट एंड पास लिटिल यूरिन. जितना वो पानी पीते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा थोड़ा यूरिन पास करते हैं और उनका जो स्वेट है उनकी बॉडी में स्वेट बिल्कुल भी नहीं आता. दे डज नॉट स्वेट, वो स्वेटिंग नहीं करते. सेकेंड क्या है थिक पैडेड फीट हेल्प टू वॉक इन सैंड. जो उनके फीट होते हैं वो थिक पैडेड होते हैं, बहुत मोटे मोटे पैडेड की फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली सैंड के ऊपर वॉक कर सकते हैं. थिक स्किन कीप हीट अवे. जो कैमल की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से जो डेजर्ट एरिया की गर्मी होती है उनसे ये दूर रहते हैं. नेक्स्ट है रेप्टाइल्स लाइक स्नेक रैट. दीज लिव इन बुरोज एट डे टाइम. डे टाइम पे, दिन के टाइम पे जो रेप्टाइल्स होते हैं लाइक स्नेक और रैट वो क्या रहते हैं अपने अपने बुरोज के अंदर रहते हैं, अपने अपने होल्स के अंदर रहते हैं, राइट? सो इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कैमल स्नेक रैट एक्सेट्रा. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट एनिमल्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास पोलर एंड माउंटेन्स. पोलर एंड माउंटेन रीजन इज वेरी कोल्ड एंड विंडी. पोलर रीजन क्या है, वहाँ पे जो मौसम है वो बहुत कोल्ड होता है, ठंडा होता है और वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं. हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स. विंटर के टाइम पे क्या होता है रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है. रीजन कवर्ड विद स्नो. उसका जो रीजन होता है वो स्नो से कवर होता है. एट हाइट टेम्परेचर गोज डिक्रीजेस. इट मीन्स क्या हुआ, जैसे हम माउंटेन पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा डिक्रीज करेगा, उससे क्या होगा ठंड जो है बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट आता है हमारे पास अडेप्टेशन ऑफ माउंटेन प्लांट्स. माउंटेन के जो प्लांट्स हैं उनकी क्या अडेप्टेशन है. तो फर्स्ट है इसकी कॉनिकल शेप विद स्लाइडिंग ब्रांचेस. जो प्लांट्स की शेप क्या होती है कॉनिकल होती है, लाइक दिस. ये क्या है कोन की शेप में है तो इसको हम कॉनिकल शेप बोलेंगे. और इसकी ब्रांचेस कैसे होती है स्लाइडिंग होती है. स्लाइडिंग क्यों होती है,
अभी हमने देखा कि पोलर रीजन के अंदर स्नो बहुत ज्यादा होती है, राइट? तो इतनी ज्यादा स्नो होने की वजह से लीव्स के ऊपर स्नो इकट्ठा होना शुरू कर देगी, और स्नो का वेट क्या होता है, बहुत हैवी होते हैं। अगर इनकी स्लाइडिंग ब्रांच नहीं होगी तो क्या होगा, स्नो की वेट की वजह से ब्रांचेस टूटना शुरू कर देगी, राइट? तो इसीलिए क्या होती है, इनकी ब्रांचेस स्लाइडिंग होती है ताकि वो इजीली स्नो उसमें से स्लाइड कर जाए और जो प्लांट्स की ट्रीज की ब्रांचेज है वो मेंटेन रहे। सेकेंड है हमारे पास निडल लाइक लीव्स कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग विच प्रिवेंट वाटर लॉस। उनकी लीव्स कैसी होती हैं, निडल लाइक होती है, जैसे निडल होती है ना बहुत तीखी बहुत शार्प, वैसे इनकी लीव्स होती हैं बहुत शार्प होती हैं, और उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है जिससे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन रेट कम हो जाता है, लीव्स में से वाटर लॉस बहुत कम होता है। पाइन ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पोलर प्लांट्स, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेशन ऑफ पोलर एनिमल्स। पोलर एनिमल्स की अडेप्टेशन, फर्स्ट है एनिमल्स हैव थिक हेयर टू कीप देम वॉर्म। अब पोलर रीजन है तो मतलब ठंड ज्यादा है, राइट? तो ठंड से बचने के लिए एनिमल्स की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, बहुत हेरी होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो इजीली ठंड से बच सकते हैं, और वो उन्हें क्या करते हैं, गर्माहट देते हैं, राइट? ऑयली एंड वाटर प्रूफ फेदर्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जो उनके फेदर्स होते हैं वो बहुत ऑयली होते हैं और वाटर प्रूफ होते हैं, जिससे क्या होता है, उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। स्ट्रॉन्ग होव्स फॉर मूविंग अप एंड डाउन। कुछ एनिमल के जो होव्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, वो इजीली अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास पेंगुइन, याक एंड पोलर बियर्स एंड मैनी अदर्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पोलर एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारे पास रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट बहुत वार्म होता है, द क्लाइमेट इज वार्म एवरी डे एंड हैवी रेनफॉल। रेन फॉरेस्ट है तो मतलब ऐसे जंगल जहाँ पे रेन अक्सर होती रहती है, तो क्या हुई, उसके अंदर रेन रेनफॉल कैसी होगी, फिर बहुत ज्यादा होगी और हर रोज होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेंस वेजिटेशन। अब रेनफॉल ज्यादा होगी तो वेजिटेशन भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत घनी होगी, डेंस होगी। डेंस ट्रीज सो सनलाइट रिच इन लो अमाउंट। अब ट्रीज क्या होंगे, डेंस होंगे, बहुत घने होंगे, जिससे क्या होगा, सनलाइट है वो बहुत कम ट्रीज तक पहुंचेगी। सो द सनलाइट रिच इन लो अमाउंट, सनलाइट क्या होगी, बहुत ज्यादा कम प्लांट्स ऑब्जर्व करेंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट्स एंड मंकीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट प्लांट्स। रेन फॉरेस्ट प्लांट्स की अडेप्टेशन, तो लीव्स आर ग्रूव्ड एंड ड्रिप टिप टू प्रिवेंट रोटिंग ऑफ लीव्स। जो लीव्स होते हैं वो ग्रूव्ड होते हैं, मतलब उनमें से इजीली पानी नीचे गिर सकता है, एंड ड्रिप टिप मतलब जो लीव्स होते हैं उनकी जो टिप होती है उनसे इजीली पानी टिप टिप करके नीचे गिर जाता है, जिससे क्या होता है, लीव्स की रोटिंग नहीं होती। इसमें क्या होगा, अब रेन फॉरेस्ट है मतलब हैवी रेनफॉल, राइट? हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होगा, लीव्स के ऊपर पानी ज्यादा स्टोर होना शुरू कर देगा। अगर लीव्स के अंदर ग्रूव्ड की फीचर नहीं होगा तो क्या होगा, लीव्स के ऊपर ज्यादा पानी होने की वजह से लीव्स रोट कर जाएंगे, मतलब पानी के अंदर बहुत ज्यादा उसके अंदर पानी एब्जर्व हो जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर लीव्स। इसलिए क्या होता है, इनके अंदर ऐसी एडेप्टेशन होती है कि लीव्स में से जो पानी है वो इजीली नीचे गिर जाए, इजीली पानी है वो ड्रिप हो जाए, जिससे क्या हो, लीव्स की रोटिंग ना हो, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉलर प्लांट्स हैव लार्ज लीव्स टू एब्जर्व मैक्सिमम सनलाइट अवेलेबल। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं रेन फॉरेस्ट के, उनकी लीव्स कैसी होती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लार्ज होती है, जिससे क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये थी रेन फॉरेस्ट प्लांट्स की अडेप्टेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट एनिमल्स। फर्स्ट है मंकी हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स टू स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। जो मंकी होते हैं उनकी आर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है, जिसकी वजह से मंकी इजीली एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक इजीली स्विंग कर सकते हैं। सेकेंड है एनिमल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर ईटिंग हैबिटेट्स।
एनिमल्स होते हैं वो अपनी ईटिंग हैबिट्स में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, लाइक पैरट्स और जो बर्ड्स होते हैं वो इजीली नट को खा सकते हैं, तो वो अपनी ईटिंग हैबिट्स में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। थर्ड है हमारे पास एनिमल्स यूज कैमोफ्लेज टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। एनिमल्स क्या यूज करते हैं? कैमोफ्लेज की टेक्निक यूज करते हैं एनिमल से छिपने के लिए। तो ये कैमोफ्लेज होता क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो ऐसी होती है कि वो उनकी स्किन का कलर होता है वो ऐसा होता है कि वो इजीली सराउंडिंग से मैच कर जाता है। उनकी जो सराउंडिंग से मैच करेगा तो क्या होगा, तो उनके एनिमीज को उनकी प्रेजेंस का पता नहीं चलेगा, तो वो क्या कर सकते हैं, इजीली अपने शिकार कर सकते हैं या तो फिर अपने एनिमीज से, अपने दुश्मनों से बच सकते हैं। सो दीज एनिमल यूज दिस कैमोफ्लेज टेक्निक्स टू प्रिवेंट फ्रॉम एनिमीज, राइट? सो दिस इज द अडेप्टेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट एनिमल्स। लास्ट है हमारे पास ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स मतलब ग्रास की लैंड। तो वेदर कंडीशन क्या होती है, ड्राई एंड विंडी होती है, मतलब सूखी और हवादार। मॉडरेट रेनफॉल होती है, मतलब ना ज्यादा ना कम। रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत रिच वैरायटी होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस, स्मॉल प्लांट्स, डियर, लुआइन, स्नेक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रासलैंड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले हमारे पास अडेप्टेशन ऑफ ग्रासलैंड्स प्लांट्स। थिन एंड स्मॉल लीव्स टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। जो लीव्स होती हैं वो बहुत पतली और बहुत छोटी होती है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन रेट कम होता है, वाटर लॉस कम होता है। वेल डिवेल्प्ड डीप रूट सिस्टम। जो उसका रूट रूट सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डिवेल्प्ड होता है, इट मीन्स अच्छे से उसका जो रूट्स है वो अच्छे से निकल के बाहर आती हैं। फ्लेक्सिबल स्टॉक्स, सो दैट दे कैन इजिली बेंड इन विंड। जो स्टॉक्स होती हैं, ये स्टॉक्स क्या होती है, स्टेम्प और फ्लावर को कनेक्ट करने वाली जो स्टिक होती है उसको हम स्टॉक्स बोलते हैं, राइट? तो ये स्टॉक्स क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ताकि अगर विंडी एटमोसफेयर हो, मतलब हवा बहुत तेज चल रही हो, तो जो वो स्टॉक्स है वो इजिली बेंड हो जाए और वो स्टॉक्स इन हवा के अंदर टूटे नहीं, राइट? तो इसलिए स्टॉक्स बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास कॉर्न फ्लावर, ल्यूपिन्स, एक्सेट्रास। नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेशन ऑफ ग्रासलैंड एनिमल्स। ग्रासलैंड एनिमल्स की अडेप्टेशन, मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट। बहुत सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, ग्रासलैंड्स के अंदर रहते हैं और फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। हैवी कंपटीशन फॉर फूड एंड रिसोर्सेज। अब ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल रहेंगे तो फूड के अंदर और रिसोर्सेज के लिए भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन क्या होता है, फूड और रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा होता है। एनिमल्स अडेप्टेशन फॉर ईटिंग हैबिटेट्स। इसलिए क्या होता है, एनिमल्स की अडेप्टेशन हो जाती है ईटिंग हैबिटेट्स को लेके। एनिमल्स की जो ईटिंग हैबिटेट्स है उनके लिए उनकी कुछ अलग अलग अडेप्टेशंस बन जाती है। तो इसी तरह से दो कैटेगरी आती है। फर्स्ट आती है ग्रेजिंग एनिमल्स की। ग्रेजिंग एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, लाइक डियर, रैबिट। तो ये इनको क्या बोलेंगे हम, ग्रेजिंग एनिमल्स। ये एक्ट क्या करते हैं, प्रे का एक्ट करते हैं, शिकार का एक्ट करते हैं, मतलब जो शिकार बनते हैं वो उस फॉर्म में एक्ट करते हैं शिकारी के लिए, ठीक है? सेकेंड कैटेगरी है कार्निवोरस एनिमल्स। जो एनिमल्स ओनली दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास लॉयन, टाइगर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। और ये एक्ट करते हैं एज अ प्रिडेटर, मतलब शिकारी। ये एज अ प्रिडेटर एक्ट करते हैं, शिकारी एक्ट करते हैं किसके लिए, ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए। लॉयन एंड टाइगर क्या हुए, प्रिडेटर हुए जो मतलब शिकार करेंगे, और डियर एंड रैबिट क्या हुए, प्रे हुए, मतलब जिनका शिकार होता है। तो प्रे एंड प्रीडेटर का चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्रे। प्रे मतलब इसकी, प्रे की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी डियर, रैबिट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रे। सो इनकी अडेप्टेशन क्या है, स्ट्रोंग फ्लैट टीथ फॉर च्यूइंग ग्रास। उनके जो टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं और बहुत स्ट्रोंग होते हैं,
जिससे वो इजीली ग्रास को च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। स्ट्रोंग एंड लॉन्ग लेग्स टू रन अवे फ्रॉम प्रीडेटर्स, उनकी जो लेग्स होती है वो बहुत लंबी और बहुत स्ट्रोंग होती है जिससे वो इजीली प्रीडेटर से बचकर भाग सकते हैं। आईज नियर हेड टू लुक इन ऑल द डायरेक्शन फॉर डेंजर, उनकी जो आईज होती है वो हेड के पास होती हैं जिससे वो इजीली डेंजर को, खतरे को महसूस करते हैं। लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स, जो उनके कान होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं जिससे वो इजीली सुन सकते हैं प्रीडेटर की मूवमेंट को। एंड स्ट्रॉन्ग सेंस टू स्मेल डेंजर, और उनकी जो स्मेलिंग सेंस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिससे वो इजीली अपने डेंजर को, खतरे को दूर से ही भाप सकते हैं, पहचान सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रे। नेक्स्ट है प्रीडेटर लाइक लॉयन एंड टाइगर, लेपर्ड एंड सो ऑन। तो इसके डेफिनेशन क्या होती है, लाइट ब्राउन कलर ऑफ स्किन हेल्प देम इन कैमोफ्लेज। तो जो उनकी स्किन का कलर क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है जिससे वो कैमोफ्लेज करते हैं। मतलब मैंने आपको बताया, मतलब उनकी स्किन का कलर ऐसा होता है सराउंडिंग से मैच करता हुआ जिससे वो इजीली झाड़ियों के पीछे, प्लांट्स के पीछे छिपके अपने प्रे पे हमला कर सकते हैं। और इसकी स्किन की वजह से उनके प्रे को पता ही नहीं चलता कि उनके आसपास खतरा है। तो दीज कैमोफ्लेज हेल्प देम फॉर हंटिंग। स्ट्रॉन्ग क्लोज हेल्प देम टू वॉक क्वाइटली टूवर्ड्स प्रे, जो उनके क्लोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे वो धीरे धीरे बहुत शांति से अपनी प्रे की तरफ बढ़ते हैं ताकि प्रे उनकी मूवमेंट को वो सुन ना सके, उनकी मूवमेंट का उनको एहसास ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास शार्प आईज हेल्प इन सी इन लो लाइट, उनकी जो आईज होती है वो बहुत शार्प होती है इसीलिए वो लो लाइट के अंदर भी इजीली अपने प्रे को देख सकते हैं और हंट कर सकते हैं नाइट के अंदर। मतलब वो नाइट के टाइम पे भी अपने प्रे का शिकार कर सकते हैं इनकी शार्प आईज की वजह से। तो ये सब था अडेप्टेशन प्रीडेटर्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। If you have any query, then please let me know in the comment section. I will definitely try to solve your problems. We will meet soon in next video. Till then, bye.